सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है बेसिकली ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं तुम लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स में ट्विक्स्टर कैसे यूज़ करें, सबसे आसान तरीका मतलब इजिएस्ट और द फास्टेस्ट वे हाउ टू यूज़ ट्विक्स्टर इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो यार देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधा पॉइंट पर आते कि कैसे यूज़ करना है ट्विक्स्टर को। सबसे पहले मैंने जो भी बीट्स हैं वो मार्क कर लिए, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये रहा। और हमें ना इस चीज़ में मतलब वीडियो से सबसे पहले बताया तो हमें की फ्रेम्स और कुछ चीज़ें बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। की फ्रेम सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, तो की फ्रेम अगर तुम लोग सेट कर लेते हो तो ट्विक्स्टर मतलब 99% तुम लोगों को आ जाता है। ट्विक्स्टर की फ्रेम्स ही होता है इसके अंदर सब बेसिकली। तो मैंने ये क्लिप लगा दी इसकी, और मैंने जो भी है बीट सब कुछ सिंक करके रखा हुआ है, मार्क लगा दिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ट्विक्स्टर, जो कि हम लेके आएंगे। ट्विक्स्टर लिखने के बाद तुम लोगों को इस जो क्लिप है उसके अंदर ले आना है, और जो ये पार्ट है इसके अंदर तुम्हें लिखना है मोशन वेटेड ब्लेंड पे कर देना, स्मार्ट ब्लेंड को कर देना है टिक। जो ये नन पार्ट आ रहा है इसमें करना है कंट्रास्ट एच एनहेंस, और तुम्हें अपनी फ्रेम रेट 60 कर देनी है। ये तो मैंने 777 से सीखा था, जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया है, और स्पीड पे एक क्लिक करना है। अब मैं बताऊँ बेसिकली तुम्हें करना क्या क्या, अभी यू यू प्रेस करना है। यू प्रेस करने के बाद एक की फ्रेम आ जाएगा नीचे, जिसकी स्पीड है 100, यहाँ पर दिखा रहा होगा वो 100 स्पीड का। तुम्हें कंट्रोल दबाना है और जो आगे की एरो है उस पर प्रेस करना है, जिससे वो हल्का सा आगे हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ है, वो जो पीछे वाली की फ्रेम थी उसकी स्पीड 100 हो गई है। अभी हमें यहाँ पर की फ्रेम लगानी पड़ेगी, जो कि हमने अभी लगा दी है, और इसकी स्पीड हमें खुद सेट करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी स्पीड 8 कर देता हूँ, जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं, और तुम लोगों को स्पीड खुद भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से तुम्हारा जो सीन उस पर बैठता है उस हिसाब से तुम्हें की फ्रेम खुद भी एडजस्ट करनी पड़ सकती है। और अभी मैंने 8 यूज़ करी है, जो कि नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, तो 8 यूज़ कर ली। और दूसरी जो आ रहा है अपने पास की फ्रेम यूज़ करने के लिए, तो वो 2 पे हम लोग यहाँ तक जाएंगे। अब जहाँ पर वो एग्जैक्ट तुम्हारा एक्सिस बैठ रहा है उसके कंट्रोल दबा के हल्का सा पीछे कर लो, और वहाँ पर जो तुम्हारी की फ्रेम थी 8 की उसको कंप्लीट कर दो। अभी तुम्हें अगले वाले पे जाना पड़ेगा, 2 पे हमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा करनी है, जहाँ पर सीन आ रहा है मतलब बीट आ रही है, तो तुम लोग थोड़ा आगे ज़्यादा स्पीड कर लो। तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कितनी स्पीड करनी है, तो मैं अभी इतनी कर लेता हूँ, इतना सही रह रहा है। उसके बाद जो तुम अपनी कंट्रोल दबा के नेक्स्ट प्रेस करोगे आगे एरो, तो वो आगे आ जाएगा, और तुम लोगों को एक नई लगानी पड़ेगी। वो मैं दोबारा से 8 की स्पीड ले आता हूँ, जो कि बेसिकली हर कोई यूज़ करता है। दोबारा कह दो, तुम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो फिर तुम्हें दोबारा से, और मैं बताया तो कंट्रोल दबा के एरो दबाओगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और अगर कंट्रोल शिफ्ट दबा के आगे बढ़ाओगे तो ज़्यादा करता है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में आगे बढ़ेगा, जैसे कि ये देख सकते हो। और मैं अभी 3 पे ले आता हूँ। अभी मैंने जैसे बोला था कि 3 से कंट्रोल दबा के एक पहले ले आते हैं, जहाँ पे उसकी कंप्लीट कर देंगे हम की फ्रेम, जैसे कि हम अभी तक करते हैं, और जो एग्जैक्ट बीट आ रही है 3 पे उस पर हम आगे कर देंगे कंट्रोल दबा के एरो, और उसके बाद नया ले लेंगे लाइक इधर। अभी मैं ओवर स्पीड बढ़ा देता हूँ और कंट्रोल दबा के आगे, उसके बाद दोबारा इसको 8 कर देंगे। अभी हम लोग वीडियो में देखते हैं कैसा लग रहा है। तो भाई काफ़ी सही लग रहा है, और ये जो बीट सिंक है वो भी सही हुआ है, क्योंकि बीट में मैंने बीट भी मार्क सही कर रही हुई थी, ज़्यादातर टाइम मैं गलत करता था, बट अभी सही है। अभी मैं दूसरा सीन ले आता हूँ, या फिर कह सकते हैं दूसरी क्लिप ले आता हूँ। यहाँ से तुम साउंड बंद कर सकते हो क्लिप की, जो बेसिक चीज़ें हैं तो तुम लोगों को पता होगी। तो यहाँ पर मैं क्लिप ले आया हूँ, जो तुम्हें यहाँ पर वही चीज़ करनी पड़ेगी, सेम चीज़ ट्विक्स्टर लेके यहाँ पर आना पड़ेगा, इसके अंदर ट्विक्स्टर लगाना है, ब्लेंड मोशन वेटेड ब्लेंड, दोबारा से कंट्रास्ट एंड एज एनहेंस, और FPS 60 कर देने, स्मार्ट ब्लेंड को टिक करके कर देना, और स्पीड पे जो ये यहाँ पर एरो आ रहा है जो भी है ये वॉच सा, इस पर क्लिक करना है और यू दबाना है। यू से की फ्रेम आएगी फर्स्ट की फ्रेम को कुछ भी नहीं करना है, सेकंड की फ्रेम को चेंज करना है आगे कंट्रोल दबा के, जो कि हो जाएगा 8। बेसिकली 8 लेते हो, तुम लोग ज़्यादा ले सकते हो 16 या जो भी तुम्हारे सही बैठता है। मैं तो 8 ही यूज़ करता हूँ, और 777 ने भी 8 ही यूज़ करा था, जो मैंने उसकी सर की वीडियो देखी थी। तो अभी तुम्हारा जो भी फ्रेम मतलब बीट आती है, जैसे मैंने 4 पे मार्क कर रखा है, तो मैं उससे एक पहले जो बंद कर दूंगा अपनी की फ्रेम को, और नई की फ्रेम उसी बीट पे स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्पीड में बढ़ानी है।
अगर तुम्हें इंस्टेंट फास्ट करना है तो मुझे इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले अलग अलग क्लिप को कट करता था जो कि काफ़ी लैगी कर देता उसको। अभी मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है और एक कंट्रोल दबा के आगे, तभी तुम्हें दोबारा से 8 की स्पीड कर देनी है। अभी मैं 5 पे ले आया हूँ, 5 पे एक पीछे कर लेंगे और ये की फ्रेम बंद कर लेंगे। अभी 5 पे ले आए और नई की फ्रेम की नई स्पीड सेट करनी है। मैंने इतना कर लिया, अब कंट्रोल दबा के थोड़ा सा आगे और दोबारा से 8 कर दी स्पीड, जो कि बेसिक स्पीड होती है, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. तेरे बेसिक चीज़ें हैं जो की फ्रेम यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर अगर तुम लोग की फ्रेम को बैठा लेते हो कि कैसे यूज़ करना है, तो मतलब कुछ और बचता ही नहीं है, मतलब की फ्रेम इज़ द बेसिक। तो ठीक है भाई, मैं तीसरी क्लिप ले आया हूँ जो कि गेम प्ले के लाया हूँ, जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। मैं इसकी स्पीड अभी थोड़ी कम कर, मतलब आवाज़ कम कर देता हूँ, मतलब बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें गन साउंड नहीं चाहिए। तो तुम लोग बीट्स को एक बार सुन लिया करो। हाँ तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्विस्टर लगा देते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया ट्विस्टर, जो सेम प्रोसेस है, ब्लेंड को मोशन वेटेड ब्लेंड, नन को चेंज करना है कंट्रास्ट एज एनहेंस में, जो ये स्पीड आ रही है इसको 60 कर दो भाई, स्मार्ट ब्लेंड को टिक कर दो, और स्पीड को हमने जो वॉच का साइन आ रहा है उस पर एक बार क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक हाँ, और फिर यू प्रेस करना है। यू प्रेस करने से एक की फ्रेम आ जाएगी यहाँ पर, कंट्रोल दबा के थोड़ा आगे। अब यहाँ पर तुम लोगों को स्पीड कर देनी है 8, एंटर दबाओगे ना एक की फ्रेम अपने आप आ जाएगी, एंड जो 100 आ गया एंटर दबाना है, 8 करके एंटर दबाना है, वो की फ्रेम अपने आप आ गया वहाँ पर। अब तुम लोग को लेके जाना है 6 पे, जहाँ पर हमें स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 6 से एक पहले कंट्रोल दबा के पीछे कर लेंगे और की फ्रेम को कंप्लीट कर देंगे 8 की, और उसके बाद नई की फ्रेम लगाने के लिए कंट्रोल दबा के आगे और इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ तक ले आए, सही लग रहा है। अब इसको दोबारा कर देते हैं 8, कंट्रोल दबा के थोड़ा सा आगे करके। अभी नेक्स्ट जो हमारा बीट सिंक का पॉइंट आ रहा है 7 पर, तो एक की एक पीछे 7 से एक पीछे पे की फ्रेम लगा दी। अब 7 पे गए, स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर ली, आगे करके दोबारा से 8 की स्पीड कर दी। तो अभी मैं आगे जाके इसको कट कर देता हूँ और देखना भाई क्या ही अच्छा लगेगा। I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm not sweet without it. Feels like I'm always. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ थी ट्विस्टर के अंदर, की फ्रेम्स लगाना और ट्विस्टर यूज़ करना आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ थी। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोग को और भी ज़्यादा इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से चाहिए तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। और हाँ, मैं CC ट्यूटोरियल चाहिए क्या तुम लोगों को? CC ट्यूटोरियल के अंदर मैं तुम लोग को ऐसा ट्यूटोरियल दूंगा, मतलब एक चीज़ एक ऐसी चीज़ दे दूंगा जिसमें से तुम लोग 5 सेकेंड में CC कर सकते हो, मतलब उसके अंदर पूरा बंच ऑफ CCs होंगे, काफ़ी सारे होंगे, तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो तुम लोग बता दो और जल्दी से लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो, और कमियाँ बता देना क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता कैसे बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच ये ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से बता दो कमेंट में, एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।